स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। एज पर आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव कंसीडर्ड ए कंडक्टर मेड अप ऑफ एनी मेटल, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, अप्लाइड थ्रू ए पोटेंशियल वोल्टेज वी। जदों ही आपने बैटरी लगाई सर्कट के क्रॉस नाल दी नाल सर्कट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हो गए, करंट फ्लो शुरू होना हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। जदों भी आप सिंपल इलैक्ट्रिक एनर्जी फाइंड करनी है, इलैक्ट्रिक एनर्जी कितों आऊगी, सप्लाई जी एनर्जी हो रही है वो एनर्जी कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं आप, बैटरी कि एनर्जी सप्लाई कर रही है करंट मेनटेन करने लिए, इलैक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रही है। ठीक है, कितों लग्या पता? फ्रॉम इलैक्ट्रोस्टैटिक। वी हैव ऑलरेडी talk about the potential is what amount of work done per unit charge। ठीक है, then work done by the battery is equal to charge into potential। ठीक है, and this work done, what is this is the work done by the battery in maintaining the current in the circuit। ठीक है, जो सर्कट दे विच करंट लगातार करंट फ्लो हो रहा है, वो करंट नूं लगातार फ्लो रखन दे विच बैटरी नूं की करना पै रहा है वर्क करना पै रहा है। ठीक है, एंड दिस वर्क डन विल गैट कन्वर्ट इन टू द इलैक्ट्रिक एनर्जी। समझ आया? तो सप्लाई एनर्जी। ठीक है, इस तो बाद क्यों होंगे इनसाइड द कंडक्टर, जो भी आप किसी मटीरियल के क्रॉस वोल्टेज लगावे तो सम हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, थोड़ी वायर है, कॉपर है, एल्यूमीनियम है, कोई भी मेटल वायर है, वो सम अमाउंट ऑफ की होगी, हीटअप हो जूगी। ठीक है, एंड हीट इज आल्सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू नदर फॉर्म। तो जी इतने हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितों आई है हीट एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें पता है मूव करना शुरू कर गए नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ड्यूरिंग देयर फ्लो दे विल कोलाइड विद अदर इलैक्ट्रॉन्स, एटम्स, आयन्स, है ना, तो कुलीजनस करके की प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल है, कुलीजनस जो भी कुलीजन होंगी है, कुलीजन मीनस फ्रिक्शन कह सकते आप, की प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द कुलीजनस, जेड़ा अपना कॉज ऑफ रजिस्टेंस सी उ अपना की प्रोड्यूस कर रहा है, मटीरियल हीट अप कर रहा है, तो हीट एनर्जी कितों आ रही है, इलैक्ट्रिक एनर्जी जी सप्लाई की है, इस कुछ एनर्जी अपनी हीट एनर्जी च कन्वर्ट हो। समझ आ गया? तो बार बार बैटरी नूं की करना पैंदा है, होर सप्लाई करना पैंदा है, होर वर्क करना पैंदा है, ताकि सर्कट दे विच करंट की रहे, अपना मेनटेन रहे, करंट ना घटे। समझ आ रहा? दैट वर्क डन बाय द बैटरी, दैट वर्क डन बाय द बैटरी टू मेनटेन द करंट इन द सर्कट, सर्कट च करंट अपना की रहे, मेनटेन रहे। समझ गए ना? उन्होंने रखने के लिए जो वर्क करना पैंदा बैटरी नू, वो वर्क डन केड़ा हो गया, इलैक्ट्रिक एनर्जी। और समझ आ गया? yes, तुम्हें पता है वर्क डन तो एनर्जी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, सो समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो अपना की बन गया, दिस इज़ द वर्क डन विच इज़ कन्वर्टेड इन टू द इलैक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी की है? कपैसिटी टू डू वर्क, एनर्जी इज आल्सो ए वर्क। जिदी SI यूनिट की होंगी है, जाउल होंगी है। आप यूनिट डिमेंशन होर भी गल्ला करांगे, आप इलैक्ट्रिक यूनिट्स प्रोड्यूस करांगे आप फॉर्मूलेस तो। समझ आ गया भी इन्ना भी एनर्जी कितों आई है, केड़ी एनर्जी है, है ना। तो वी इज आल्सो अपन पता है वी इज इकल टू आई आर, तो आप इतने पुट करिए कि आ गया क्यू आई आर आ गया। ठीक है, आल्सो अपन ये भी पता है जिहड़ा चार्ज है वो कि होंगे आई इन टू टी होंगे, तो वर्क डन कि आ गया आई स्केयर आर टी आ गया। पुट कर चलो बस, और प्रीवियस फॉर्मूले ने पुट करता ए की आ गया अपना वर्क डन, मतलब यही अपनी की आ गई इलैक्ट्रिक एनर्जी, यही की आ गई, इनू आप जाउल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहने की कहने आप, इनू जाउल्स हीटिंग इफेक्ट, मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्कट, भी एनी हीट एनी एच क्यों पाया हीट एनर्जी, एनी हीट एनर्जी की हो रही है अपने सर्कट च कंज्यूम हो जा रही है, आ कितों रही है
गिवन इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कन्वर्ट होके आ रही है। समझ आ रहा है? ठीक है, आई स्केयर आर टी ते आप इनू होर फॉर्मूले भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आई नू आप की पुट कर सकते हैं फिर ओम्स का, तो वी पोन आर इनू आप भी लिख सकते हैं, वी स्केयर पोन आर इंटू टी वो लिख सकते हैं। तो आई स्केयर आर टी वी स्केयर पोन आर आई है ना, एक आप होर की लिख सकते हैं वी आई टी। जे वी ते आई की रिलेशन देखो, आई वी आर तीन टर्म्स ने ना अपने को, तीन की आपस रिलेशन एक ही है आई ते आर च, एक ही है वी ते आर च, एक ही है वी ते आई च, वो ठीक है। तीनों फॉर्मूले सारे सेम ने, नमेरिकल्स लिए आप इन्होंने यूज कर सकते। ठीक है, कि एनर्जी ड्राइव होगी अपनी ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, उस तो बाद यूनिट्स की आप गल कट्ठे करा इलेक्ट्रिक एनर्जी तो पावर की। नैक्सट टर्म कि अपने को इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर की होंगी है, पावर की होंगी है, तुम प्लस वन च पढ़ के आए हो मकैनिकल पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्थे भी पढ़ी है अपने। पावर की होंगी है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ मतलब किन्ना वर्क किन्ने टाइम च पूरा कर दी है, उन्होंने की बोलते आप पावर बोलते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, सो आज अपना रेट ऑफ डूइंग पावर की है, रेट ऑफ डूइंग योर इलेक्ट्रिक वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम इज द पावर, इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल पावर मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर। और समझ गए, इतने सारा वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। तो आप पावर एनर्जी सारी की दी है? बैटरी दी है। समझ आ गया? जिहड़ा फॉर्मूला थोड़े कोल आर आ रहा है, आर की है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कॉपर है सिल्वर है एल्यूमीनियम है, लेंथ किन्नी है एरिया किन्ना डिपेंड करता ना वो उपर, गल करके आए पहला आप वाला फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल पौने, वो याद है ना? तो ये अकॉर्डिंग की आजगा अपने को डायमेंशन साइज पता होगा, मटीरियल कि रजिस्टिविटी दसूगी अपन है ना, सो दे उपर की आजू अपने को रजिस्टेंस आऊगा कंडक्टर का। समझ गए? टाइम की है, किन्ने टाइमली तुसी सर्कट च बैटरी लगाई हुई है, किन्ने टाइमली सर्कट च करंट फ्लो करवा रहे हो, वो टाइम है। क्लियर? और समझ आया? तो पावर की होगी अपने को अमाउंट ऑफ रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम। तो जेडे जेडे फॉर्मूले आप लिखे ने वो टाइम खत्म कर दो, सारे फॉर्मूले कि आ गए पावर के आ गए। तो पावर के फॉर्मूले देखो की आ गए, वी आई आ गया, वो टाइम खत्म करी, चलो टाइम खत्म कर दो यार, वर्क की है हीट है ना, वर्क अपॉन टाइम है। तो होर की आ गया आई स्केयर आर आ गया, होर की आ गया वी स्केयर अपॉन आर आ गया। ये सारे फॉर्मूले की देने इलेक्ट्रिक पावर देने। समझ आ गया? तो उन्हों कोई भी आप डिवाइस देखिए, मान लो बल्ब है ट्यूब है फैन है कोई भी इलेक्ट्रिक अपलाइंस है जो आप लैके आने ना, उस पर रेटिंग लिखी होंगी है कि पावर इन्नी है, ये 10 वाट है 100 वाट है 8 वाट की एलईडी है, कोई भी है ना पावर लिखी होंगी है ना। तो अपने को वोल्टेज अपने हाउस होल्ड कनैक्शन वोल्टेज कि आती है 220 आती है, 220 वोल्टेज आ रही है। पावर किदी होंदी है? डिवाइस दी होंदी है, जो भी डिवाइस है घट पावर दा है ज़्यादा पावर दा है, वो समझ गए ना। तो आप फाइंड कर सकते हैं भी कोई तुहाडा डिवाइस किन्ना करंट कंज्यूम करूगा। पावर गिवन होंदी है, वोल्टेज अपनी फिक्स आ रही है 220 वोल्ट, जो कई बार फ्लक्चुएट होंदी रहती है फिक्स नहीं रहती, 220 230 240 कई बार 200 तक भी रह जाती है, अपन स्टेबलाइजर तो रीडिंग शो होंदी रहती है ना, तो वो वोल्टेज होंदी है। आई करंट किन्ना ड्रॉन कर रहा है, किन्ना करंट लै रहा उस टाइम वह डिवाइस थोड़ा, आप फाइंड कर सकते हैं सिंपली। वो ठीक है? yes, समझ गए ना? ठीक है, हुण जे आप इन्ह की एस ये तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले ने, जे आप इन्हें यूनिट्स की गल करिए, यूनिट्स इन्ह दी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तो मतलब इस कम की गल यही है भी आपने जो घर के इलैक्ट्रिसिटी बिल्स बनते हैं वो इन यूनिट्स करके ही बनते हैं, क्योंकि इलैक्ट्रिक एनर्जी है, तो आप इलैक्ट्रिक एनर्जी ही अपने घर आ रही है, अपने स्कूल च अपने, ठीक है, जिथे भी आप कोई भी है अपने कनैक्शन सारे कि इलैक्ट्रिक करंट इलैक्ट्रिक एनर्जी आ रही है अपने को, एनर्जी का ही जिनी एनर्जी आप कंज्यूम करी जाने उन्ना ही की है अपन यूनिट्स। सुने ना यूनिट्स की होंदिया ने, भी एनी यूनिट्स का इलैक्ट्रिसिटी बिल आया, और यूनिट्स की होंदिया ने, और यूनिट का मतलब की है, वह इलैक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होंगी है। अज आप पढ़ा इस क्लास। समझ आ रहा? तो यूनिट्स आर मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनी गल क्लीयर होगी? ठीक है, अच्छा जी इलैक्ट्रिक एनर्जी की गल करिए आप,
इलैक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट्स कि होंगे, पहला पावर की गल करते हैं, पावर की यूनिट कि होंगी, एस आई यूनिट ऑफ पावर वाट, कि होंगी है वाट, एस आई यूनिट ऑफ पावर कि होंगी है वाट, सुने ना वाट, ये पावर ही थोड़ी की है, एस आई यूनिट है वाट। अच्छा वाट बहुत स्मॉल यूनिट है, वन एक वाट की होंगे बहुत घट पावर है, ठीक है। जो आप गल करिए उस तो बिगर यूनिट कि होगी, वन किलो वाट, के वन के डबल्यू, वन के डबल्यू, किलो वाट तो कि बात आती है, फिर किलो वाट तो कि आती है बात, मैगा वाट कि आती है, मैगा वाट, फिर कि आती है गीगा वाट, ठीक है। अपनी जी गवर्नमेंट है इलैक्ट्रिसिटी जी प्रोजेक्ट लगाती है वो मैगा गीगा वाट होंगे ने, समझ गए ना, हाई पावर जनरेशन, समझ गए ना, पावर स्टेशन होंगे ने अपने घर को, ग्रिड्स होंगे ने जितों अपने को इलैक्ट्रिसिटी आती है, उन्हें ही पावर होर ज़्यादा होंगी है, और समझ गए ना कि उन्होंने सारे एरिए पावर बननी होंगी है, ट्रांसफॉर्मर ने आके घर पावर बननी होंगी है, समझ गए ना, एनर्जी सप्लाई करनी होंगी है, तो हरेक की पावर की है वधदी जाती है पिछों घटती जाती है अपने घर तक आके, आप हौली हौली मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है सारी जितों इलैक्ट्रिसिटी पैदा होंगी है घर तक की चल रही है सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, समझ गए ना, ये हौली हौली गल्लां सारी करांगे आपां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नैक्सट जाके आपां ने फोर्थ यूनिट च ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है, भी ट्रांसफॉर्मर काम कीवें करदा है जो अपने मोहल्ले दे विच लगे होंदे ने, जो एक मोहल्ले एक स्ट्रीट का ट्रांसफॉर्मर हुंदा ना सारे घरां नूं कनैक्टड हुंदा, जो ट्रांसफॉर्मर च प्रॉब्लम आती है सारे घर की उस लाइन की इलैक्ट्रिसिटी की हो जाती है खत्म हो जाती है, वो गल्लां आपां सारी करनी उस बहुत लोड़ है इन्हां दी। आ समझ आ गया, मैग गीगावाट पता है ना, 10^9 वाट, 10^6 वाट। अच्छा जी आप गल करिए होर्स पावर, ये की है होर्स पावर, तुम सुनया होगा होर्स पावर कि होंगी है, इंजनस की पावर, ठीक है। आप वैसे आपको पता होगा पिंडा रहने आप इंजन इंजनस की पावर कि होंगी है, होर्स पावर होंगी है, ठीक है। तो वन होर्स पावर इजिकल टू कि होंगे 746 वाट के बराबर होंगे, ठीक है। ये थोनू ये चीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट ने जो थोड़ू पता होनिया चाहिए ने, रूटीन के पता होनी चाहिए ने, यह याद रखने वाली गल्ला नहीं है, ठीक है। समझ आ रही है कि कह रहे हैं आप, वन होर्स पावर इजिकल टू 746 वाट, मतलब बिगर यूनिट ऑफ पावर है, वन वाट बहुत छोटी पावर है, उस बिगर यूनिट्स ऑफ पावर ने होर्स पावर इंजनस की स्पैशल, जिम्मे कार इंजन हो गए उन्होंने पावर कार्च काउंट करते हैं आप, वाट्स नहीं करते होर्स पावर से करते हैं, तो जिनी ज़्यादा पावर ज़्यादा होगी होर्स पावर उन्ना इंजन टॉर्क वध मिलता है, की मिलता है टॉर्क वध मिलता है, जिन्ना इंजन टॉर्क वध मिलता है उन्नी कार की पिकअप की होंगी है ज़्यादा होंगी है, उन्नी व्हीकल की पिकअप की होगी ज़्यादा, जल्दी पिकअप कर लैंदा है, और समझ आए, ठीक है। जिमें रेसिंग कार्स हो गई वह हाई पावर कार्स होंदिया ने, इंजन उन्होंने हाई पावर से होंगे ने, टॉर्क न्यूटन मीटर जो पढ़िया अपने प्लस वन टॉर्क की होंगे वह बहुत जल्दी मिलता है तो बहुत ज़्यादा मिलता है, समझ आया, ठीक है। एसी थोड़ी कि यूनिट्स ने, यह पावर दिया यूनिट्स ने। उस वजह आप गल करिए एनर्जी दिया यूनिट्स ने, अच्छा एनर्जी यूनिट्स आप करा कि यूनिट होंगे एनर्जी की, एस आई यूनिट कि होंगी है जाऊल, पढ़ के आए हो ना, एस आई यूनिट कि होंगी है एनर्जी की यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी है ना, कि वो जाऊल, तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो इनू है ना, और पढ़ के आए हो कि नहीं, फिर किलो जाऊल भी हो सकती है, बिगर यूनिट्स हो जाएगी। बट जब आप इतों गल करिए किलो वाट, देखो एनर्जी की है मतलब वर्क पावर इंटू टाइम हो जूगा, पावर की यूनिट की है बिगर यूनिट पावर की है, किलो वाट, किलो वाट कि यूनिट है एस आई, आप सारिया एस आई यूनिट की गल कर रहे हैं, वाट कि यूनिट है एस आई यूनिट, पर बिगर यूनिट कि है किलो वाट हैगी है ना, किलो वाट जी, एक किलो वाट किन्ने वाट होंगे ने 1000 वाट, 1000 वाट होंगे ने, ठीक है। उस तो बाद टाइम, टाइम का च लैना आप एस आई देच, एस आई टाइम आप का च लैने आवर च लैना, आवर च लैना, ठीक है। सो यह यूनिट की आ गई, दिस इज़ आलसो यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर द की है किलो वाट, टाइम की है आवर, तक की बन गया अपने कोले किलो वाट आवर। सो दिस इज़ दी मेन यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी, इलैक्ट्रिक एनर्जी, समझ आया।
इलैक्ट्रिकल एनर्जी है अपने को ले। ते इनू आपां जाउल च कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी नाल, क्योंकि जाउल च किवें कन्वर्ट करोगे, 1 kW इज इकल टू 10^3 W, 1 hour इज इकल टू 3600 seconds, यही है ना भी। तो कि आ गया देखो अपने को 3.6 × 10^6 की आ गया वाट सैकेंड आ गया, तो ठीक है। तो वाट सैकेंड की होंगे जाऊल, की होंगे ये जाऊल। तो आप 1 kW इज इकल टू दिस मच जाऊल आप लिख सकते हैं, दिस मच जाऊल। वो समझ गए भी? ठीक है। तो कन्वर्जन भी यदि इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, लोड़ पैंदी है यदि, ठीक है। तो किलो वाट आवर की यूनिट है अपने को, इलैक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है। तो ये उही यूनिट है जो आप रूटीन आप गल करते हैं कि अपने घर का बिल एनी यूनिट्स का आया है, दैट यूनिट मीनस 1 kW एनर्जी। एक यूनिट का मतलब की है, दिस इज 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है कि है ऑफ एनर्जी की, ऑफ एनर्जी कंज्यूम की जी आप घर समझ गए ना। अपने घर ए सी भी है, फैनस भी ने, है ना, लाइट भी है, सारा कुछ लग्या हुआ, फ्रिज भी है, टीवी भी है, सारे इलैक्ट्रिकल अपलाइंसिज ने। तो सारे मिल के जो एक यूनिट कंज्यूम कर लेंगे ने, तो कि एनर्जी कंज्यूम कर ली अपने, 1 kW एनर्जी आप कंज्यूम कर ली। तो गौरमेंट का रेट जोड़ा होंगे वो ये अकॉर्डिंग होंगे भी, एक यूनिट रेट इन्ना, समझ गए ना, 200 तक इन्ना, 500 तक इन्ना, उस तो बाद जाऊँगे फिर इन्ना, ठीक है। रेजिडेंशियल एरिया का अलग होंगे रेट, कमर्शियल एरिया का की होंगे अलग रेट होंगे। तो इनू शॉर्ट क्वेश्चन लिए आपू की बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बोलते हैं आपू, कमर्शियल यूनिट, ठीक है, या ट्रेडिंग यूनिट बोलते हैं, कि यूनिट है ये ट्रेडिंग यूनिट बोलते हैं इनू आप। फिर जो भी ट्रेडिंग होंगी है स्टेट टू स्टेट, मतलब इलैक्ट्रिसिटी आप लेने देने ना स्टेट टू लें, स्टेट नू दिने भी हाँ, काच होंगी वो किलोवाट आवर च होंगी है, ट्रेडिंग भी होंगी है, ठीक है। इस करके आप बी ओ टी यूनिट भी कहने, बी ओ टी यूनिट शॉर्ट नंबर के क्वेश्चन ने, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ने ये। बी ओ टी मतलब की है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिमें अपनी पंजाब गौरमेंट का कड़ा बोर्ड है, PSPCL पता है ना, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और PSPCL, ठीक है। तो बोर्ड बोर्ड है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक एनर्जी कड़ी होंगी है, 1 kW। समझ आया? ठीक है। यदा मतलब पता की है, देखो जे अपने को 1000 वाट का कोई डिवाइस है, की है 1000 वाट का कोई भी इलैक्ट्रिकल अपलाइंस है, वो पर लिखा होंगे भी 1000 वाट का, ये 10 वाट का, 100 वाट का, वो लिखा होंगे ना। तो इसी 100 वाट का लाओ, जे अपन 1 घंटा चलाया, किन्ने घंटे चलाया, 1 घंटा चलाया, तुम ये सोचो 1000 वाट 1 kW हो गया, 1 kW हो गया, पावर गुना टाइम की होंगी है एनर्जी, तो यह दोनों मल्टीप्लाई करो कि आ गया 1 kW नहीं आ गया। तो अपने 1000 वाट का कोई भी डिवाइस चलाया, 1 घंटा चलाया, अपने कितनी यूनिट कंज्यूम कर लिया, 1 यूनिट कंज्यूम कर ली, 7-8 रुपये पै गए अपने, 7-8 रुपये बिल चैड हो गए। समझ आ रहे हैं? तो जे आप 100 वाट का बल्ब लगावे, 100 वाट का कोई भी बल्ब है, फिर आप करा 1 घंटा 10 घंटे चलाने जे आप मल्टीप्लाई करो, फिर 1 kW बनेगा, और बनेगा ना, देखो पावर घटी जा रही है, 10 घंटे चला रहे हूँ आप, 10 घंटे चला रहे हैं, तो अपनी यूनिट फिर कि जा रही है, 1 यूनिट कंज्यूम हो रही है। हूँ पावर हो घटा लो, 10 वाट का कर लो, 10 वाट का बल्ब 100 घंटे चला लो, तो 1 यूनिट फूकूगी अपनी, और समझ आ रहा है, तो 1 यूनिट कंज्यूम होगी। तो अज अपना टाइम कि चल रहा है, LEDs का टाइम चल रहा है, जी 8 वाट 12 वाट 15 वाट LEDs होंगे ने, तुम देखो आप 100-100 घंटे 80-90-90 घंटे चला के उन्होंने अपनी नियर अबाउट 1 यूनिट कंज्यूम होती है। पहला 100-100 वाट के बल्ब आते, समझ आ रही है ना, तो अपनी किनिया यूनिट्स कंज्यूम होंगे सी। तो अच्छ टाइम कितना चल रहा है, LED का टाइम चल रहा है, लाइट एमिटिंग डायोड्स का टाइम चल रहा है, जी क्यों आई ने, क्यों सक्सैसफुल हुई ने, क्योंकि एनर्जी की है कंज्यूम घट कर रही ने,
ठीक है ना। एक तो यह फायदा हो रहा भी एनर्जी कंज्यूम घट रही ने, एक हर एक की पै रही ने चीप सस्तियाँ पै रही ने, और समझ गए ना सस्तियाँ नोट बाय रेट, सस्तियाँ बाय अपनी इलैक्ट्रिसिटी का बिल की है बचा रही ने, तो गौरमेंट इनू कि कर रही है, ठीक है समझ गए ना, गौरमेंट इनू कि सपोर्ट कर रही है, सबसिडीज दे रही है अपन LEDs के उपर, सारा कुछ दे रही है ना। सो इसी लिए है कि गौरमेंट की एनर्जी यूनिट बचे तो लोगों के पैसे बचन, सारा कुछ फायदे च है, और समझ आया ठीक है। सो LEDs बारे भी पढ़ा आप यूनिट नंबर 9 च, ठीक है और ठीक है। तो वह हूँ ही लास्ट 3-4 ईयरस पहला LEDs के उपर नोबल प्राइज़ मिले हुआ है, जो दुनिया का सब तो बड़ा प्राइज़ है नोबल प्राइज़ वो मिले सी 3-4 साल पहला की गल है, एग्जैक्टली याद नहीं है ठीक है, जबकि वो रिसर्च हुई भी है 1995-96 च, 1995-96 LEDs के उपर काम होना शुरू हो गया सी, हौली 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 अज पब्लिकली अवेलेबल ने बहुत सस्तियाँ, समझ आया किलोवाट आवर समझ आ गया की चीज़ है, ठीक है। तो इस क्लास का मेन मोटिव की सी किलोवाट आवर जो आप रूटीन चाहे यूज़ करते हैं समझते हैं, ठीक है। तो तुम हूँ अपना सारे बच्चे अपने अपने घर का इलैक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हो, आराम ना कर सकते हो, तुम देखो आइडिया लगाओ भी किन्ने वाट की ट्यूब है, किन्ने क घंटे चलती है, AC किन्ना करंट खा रहे हैं, समझ गए ना, बल्ब किन्ने लगे हुए ने, किन्ने घंटे चलते हैं, आइडिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हो सकया तो अपने घर का इलैक्ट्रिसिटी बिल जिन्ना भी आया थोड़ा कैलकुलेट करके भी इन यूनिट्स अपने घर च कंज्यूम हुई ने, तुसी की करना कमेंट कर दो, ठीक है, थैंक यू।